मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जहां अवामी जगह पर दो से ज्यादा शराब की बोतलें लाना गैर कानूनी है, घंटी के बगैर साइकिल चलाना, अवामी पार्क्स में जंगली जानवरों को खाना खिलाना, रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना, एक रिहायशगाह में दो से ज्यादा बिल्लियों को रखना, अवामी बैतुलखला से निकलते वक्त लाइट्स बंद करना भूल जाना, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और ज्यादातर अवामी इलाकों में पालतू जानवरों को लाना, ये सब गैर कानूनी है। इसके अलावा अगर आप साइकिल पर लाल बत्ती चलाते हैं तो आपको पकड़ लिया जाएगा, और बहुत कुछ है जिसे यहाँ पर गैर कानूनी करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जमहूरियत ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे की। आज हम आपको इस सिटी के बारे में दिलचस्प, हैरानकुन और अजीबोगरीब हकायक बताएंगे, जहां अपार्टमेंट्स और कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा कुत्ते रखना भी गैर कानूनी है, मकामी मकामात पर पेशाब करना भी गैर कानूनी है। आइए चलते हैं आज के इस दिलचस्प, हैरानकुन और अजीबोगरीब शहर की सैर पर। दोस्तों, जमहूरियत चीन के हिस्से के तौर पर जाने जाने वाले ताइवान में वाकई सिटी को ताइपे कहा जाता है, जो ताइवान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी भी है। ये ताइवान में शिमाली बंदरगाही शहर कैलोनिंग के जुनूब मगरब में वाक़ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ताइपे बेसन में वाक़ है, जो एक कदीम झील का बिस्तर भी है। ये तास, कैलोनिंग और जनडोन नदियों की नस्बतन तंग वादियों से घिरा हुआ है, जो शहर के मगरबी सरहद के साथ मिलकर दरिया तमसोई बनाती हैं। दोस्तों, ताइवान और ताइपे में इस्लाम एक अहम मजहब है, जबकि यहाँ पर 0.3% आबादी ही मुसलमान है। पूरे ताइवान में तकरीबन 60,000 के करीब मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से तकरीबन 90% का ताल्लुक हुई नस्ल से है, जबकि बाकी इंडोनेशियाई, मलेशियाई, थाईलैंड और फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाले 2,50,000 से जायद गैर मुल्की मुसलमान भी ताइवान में काम कर रही हैं, जबकि 30 से ज्यादा दीगर कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी ताइवान में मौजूद हैं। ताइवान में 11 मस्जिद मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र ताइपे ग्रैंड मस्जिद है, जो सबसे कदीम और सबसे बड़ी मस्जिद है। दोस्तों, ताइवान के मुसलमान ज्यादातर मदीलैंड चीन में चीनी मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं, और सुन्नी मुसलमान ज्यादातर हनफी मसलिक से ताल्लुक रखते हैं। ताइपे ताइवान के इक्तसादी, सियासी, तालीमी और सकाफती मरकज है, और मशरकी एशिया के गोवासिक का एक मरकज भी है। इसे एक आलमी शहर समझा जाता है और अल्फा सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। ताइपे एक बड़े हाईटेक सनती इलाके का हिस्सा है। रेलवे, हाईवे, हवाई अड्डे और बस लाइनें ताइपे को जजीरे के तमाम हिस्सों से जोड़ती हैं। शहर को दो हवाई अड्डे के जरिए खदमात फराहम की जाती हैं। ये म्यूनसिपलिटी मुख्तलिफ आलमी मशहूर तामीराती या सकाफती निशानात का घर भी है, जैसे कि 2004 से 2009 के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 भी यही मौजूद है। इसके अलावा यहाँ काबिल जिक्र सियाती मकामात मौजूद है। इस शहर को ताइवान में खेलों का सिटी भी कहा जाता है, जो बहुत से खेलों के मुकाबलों की मेजबानी करता है। ताइपे नाइट लाइफ मुतारिक और जानदार है। मुख्तलिफ किस्म के तफरी मकामात जैसे कि नाइट क्लब, बार, लाउंज, क्रॉकी और लाइव म्यूजिक जैसे कि वीनस यहाँ पेश किए जाते हैं। ताइपे में हर जायका और बजट के लिहाज से कुछ न कुछ मौजूद है। आला दर्जे के क्लबों से लेकर सस्ते ड्यू बार्स तक यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ताइपे ताइवान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी है। इस सिटी को नेशनल पैलेस म्यूजियम में चीनी आर्ट के दुनिया के सबसे बड़े जखीरे के तौर पर भी जाना जाता है। ये शहर ताइवान का सियासी, इक्तसादी, तालीमी और सकाफती मरकज भी है। इस सिटी को ताइवान का सबसे ज्यादा आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन इलाका भी कहा जाता है, जिसकी आबादी का तखमीनिया लगभग 7 मिलियन है। ताइपे टोक्यो के बाद मशरकी एशिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर मौजूद दिलचस्प और अजीबोगरीब कवानीन के बारे में। मैं आपको 20 ऐसे कवानीन बताऊंगा जो यहाँ पर सबसे जबरदस्त हैं। सबसे पहले, यहाँ पर आवामी जगह पर आप दो से ज्यादा शराब की बोतलें नहीं ला सकते, बगैर घंटी के साइकिल नहीं चला सकते। इसके अलावा अवामी पार्क्स में जंगली जानवरों को खाना खिलाना, रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाना, एक रिहायशगाह में दो से ज्यादा बिल्लियां रखना, अवामी बैतुलखला से निकलते वक्त लाइट्स बंद करना भूल जाना, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, ज्यादातर अवामी इलाकों में पालतू जानवरों को लाना, साइकिल पर लाल बत्ती चलाना, सालों या तालाबों के अलावा अवामी मकामात पर स्विमिंग सूट पहनना, अवामी मकामात पर कूड़ा क्रिकेट फेंकना, अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करना, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट ना पहनना, पब्लिक पार्क्स में पतंग उड़ाना, नाबालिग अफराद को सिगरेट और शराब बेचना, खतरे से दो चार जानवरों को खरीदना और बेचना, पब्लिक पार्क्स में परिंदों को खाना खिलाना, अपार्टमेंट्स या कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा कुत्तों को रखना,
और अवामी मकामात पर पेशाब करना, ये सब कुछ यहाँ पर गैर कानूनी है और यहाँ के कवानीन के मुताबिक इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाएं दी जाती हैं। दोस्तों, ताइवान के दो बैन अवी हवाई अड्डों से खिदमत फराम की जाती है। दोस्तों, ताइपे की आबो हवा मरतूब है, गर्म और मरतूब गर्मियाँ और हल्की सर्दियों के साथ। ये खुशगवार सिटी है। इस शहर को कई तारीखी और सकाफती मकाम की वजह से भी जाना जाता है, जिनमें चोंग काईशेक मेमोरियल हॉल और नेशनल ताइवान डेमोक्रेसी हॉल वगैरह शामिल है। ताइपे अपनी मुतहरिक रात की जिंदगी के लिए जाना जाता है। इस शहर का मशहूर बुलबुल चाय और मशरूबात की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। इस सरजमीन को अजायब घरों में जदीद चीनी आर्ट्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े जखीरे की वजह से जाना जाता है। ये शहर टेक्नोलॉजी और इख्तरा का एक बड़ा मरकज है। शहर में मुतअद्दिद टेक कंपनियां और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं। इस शहर में अवामी नकलो अमल का एक वसी निज़ाम मौजूद है। मेट्रो बस और टैक्सियां आम चलती नजर आती हैं। पूरे शहर में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, जो बच्चों को तालीम फराहम करती हैं। यहाँ सालाना इंटरनेशनल फ्लावर एक्सपोजिशन भी होती है, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो है। इस शहर को कई बैन अवी तंजीमों का घर भी कहा जाता है, जिनमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एशियाई तरक्याती बैंक भी शामिल है। इस शहर को BBC, CNN, NHK और अल जज़ीरा समेत मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी मीडिया आउटलेट्स फराहम किए जाते हैं। हान चीनी नवाबादियात की नुमाया आमद से पहले ये शहर और तास का खिता बुनियादी तौर पर कैटागलान कहलाने वाले मैदानी पेशिंदों की तरफ से आबाद किया गया था। हुकूमत की जानिब से इलाके में तरक्की की इजाज़त देने के बाद 18वीं सदी के अव्वल में चंग खानदान के दौरे हुकूमत में हान कलोनियों की तादाद में यहाँ काफी तेजी से इजाफा देखा गया। 1887 में ताइपे फू यहाँ कायम किया गया और ये पहले जजीरे का आलमी दारुल हुकूमत था, जब इसे एक सूबा करार दिया गया था। 1945 में इत्तेहादियों के सामने जापान के हथियार डालने के बाद इसे रोक के हवाले कर दिया गया। 1949 में ताइपे के हुक्मरानों ने शहर को सूबे के दारुल हुकूमत के तौर पर नामजद कर दिया। 1895 में जापानियों ने पहली चीन जंग के बाद अमन माहदे के किस्से के तौर पर ताइवान को हासिल किया और ताइपे को दारुल हुकूमत के तौर पर बरकरार रखा। दूसरी जंग अजीम में जापान को शिकस्त के बाद ये जजीरा 1945 में चीन को वापस कर दिया गया। 1947 के अव्वल में मेनलैंडर्स के जरिए मकामी ताइवानियों का ये शहर बहुत सी कौम परस्त हुकूमतों और दीगर हुकूमतों का मरकज भी रहा। ताइपे में मुख्तलिफ किस्म के मंदिर मौजूद हैं, जिनमें बुद्ध मत, ताओवस्त और चीनी लोक मजहब देवताओं की रिहाइश गाहें शामिल हैं। सियाह ताइपे की माशियत का एक बड़ा हिस्सा है। दीगर एशियाई शहरों के मुकाबले शहर की हवा के मियार को मुरज़्ज़म करार दिया गया है। यहाँ तेज रफ्तार रेलवे, हाईवेज, हवाई अड्डे और बस लाइनें ताइपे के जजीरे के तमाम हिस्सों को आपस में जोड़ती नजर आती हैं। दोस्तों, 1949 में ये शहर चीनी कौम परस्ती हुकूमतों का मरकज बन गया, जब इस सरजमीन पर कम्युनिस्टों की फतवाहत ने कौम परस्तों को ताइवान पर खुद को दोबारा कायम करने पर मजबूर कर दिया था। ताइपे 101 मुमकिन तौर पर शहर का सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला मकाम भी है। ये 101 मंजिला फलकपोष इमारत है, जिसने 2004 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का एजाज भी हासिल किया था, जबकि इसके बाद दुबई में बुर्ज खलीफा ने इसकी जगह ले ली। इस टावर ने अपनी इफ्तिताह के बाद से ही जदीद ताइवान के आइकन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और ताइपे एक बड़ा हाईटेक सनती मरकज इसी के बाद बनना शुरू हुआ था। इसके बाद इस शहर ने तरक्की का वो दौर देखा जो इससे पहले इसने कभी ना देखा था। यहाँ लोगों का मेयार जिंदगी बढ़ने लगा, लोग अमीर होने लगे। यहाँ बच्चों को पैदा होते ही इनके शौक के मुताबिक हुनर सिखा दिया जाता है। इन्हें पहले पता होता है कि इन्हें फ्यूचर में क्या करना है। इन्हें इंटरनेशनली अपने कंट्री को खेल में रिप्रेजेंट करना है या टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना लोहा मनवाना है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगेबान।